नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, ऐसे में बाढ़ के पानी की वजह से सड़कें भी हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन अब सड़कों के मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें कटिहार से निकलकर सामने आई है, जहां पर सड़कों का निर्माण जो है अब एक बार फिर से किया जा रहा है। आपको बताएं कि कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बाढ़ की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और अब इसे युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया है कि जिले में इस बार आई बाढ़ से करीब 318 सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसकी कुल लंबाई करीब 120 किलोमीटर है, जिसमें 36 सड़कों को मोटर लैब यानी कि चलने लायक बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन जिन सड़कों पर से जैसे ही पानी उतर रहा है, उन क्षतिग्रस्त सड़कों का 48 घंटे के अंदर युद्ध स्तर पर निर्माण किया जा रहा है। तो जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी उन्हें एक बार फिर से उनका निर्माण किया जा रहा है। हालांकि डीएम की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे जैसे पानी सड़कों से उतर रही है, वैसे वैसे ही सड़कों को चलने लायक बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा का, सुनवाते हैं। जो हमारे यहाँ बाढ़ आया है गंगा कोसी बरंडी और कारी कोसी में, और कुछ लोअर एरियाज़ में जो महानंदा का पानी भी रोड पर आया था, उसमें लगभग पूरे ज़िले में 318 जो ग्रामीण सड़कें हैं वो वाटर लॉक हुए थे। और पानी उतरने के बाद इनके एसओपी के अनुसार जो सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, पाटली क्षतिग्रस्त होती हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर मोटरेबल बनाए जाने का प्रावधान है। और अभी वर्तमान में 36 सड़कें मोटरेबल बना दी गई हैं, शेष पर युद्ध स्तर का कार्य जारी है। कुल 120 किलोमीटर जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न ब्लॉक में रोड है वो सबमर्ज हुए थे, जो कि अफेक्टेड हुए थे वाटर लॉगिंग से, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। और जैसे जैसे पानी उतर रहा है और जो जो क्षति हमें दिख रही है, उसको हम लोग तत्काल 48 घंटे के अंदर मोटरेबल बनाने की कार्य कर रहे हैं। तो कई ऐसे जिले हैं बिहार के जो बाढ़ प्रभावित हैं, सड़कें जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों को आने जाने में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जैसे जैसे पानी जो है वो कम हो रहा है, सड़कों के निर्माण का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले भी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी कहा था कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सड़कों का निर्माण जो है वो शुरू करवाया जाए, जल्द से जल्द सड़कों को सड़क मार्ग से जो है वो जोड़ा जाए, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या फिर उसे जल्द से जल्द जो मेन रोड है उनसे जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में कटिहार के डीएम का भी ये बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कटिहार के करीब 318 जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद अब उनके निर्माण कार्य की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट होते हुए बताया कि जैसे जैसे पानी जो है वो सड़कों से उतर रहा है, पानी का लेवल कम हो रहा है, वैसे वैसे सड़कों का निर्माण भी अब युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।